हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डी एस देखो और सीखो। चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि वी एन ऐप से अपने फ़ोटो को वीडियो कैसे बनाएं, वो भी इफ़ेक्ट के साथ। तो फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह का वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं मेरे मोबाइल के होम स्क्रीन पर। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको वी एन ऐप्स इंस्टॉल कर लेना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर में जाके, नहीं तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, ठीक है। इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद देखिए नीचे में दिखा रहा है, ठीक है, ये वाला नीचे में दिखा रहा है, ठीक है, प्लस, ठीक है, इसमें दबाइएगा। दबाने के बाद ऊपर में देखिए न्यू प्रोजेक्टर, ठीक है, इसको ओपन करेंगे, ठीक है, टच करके। यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन बता रहा है, ठीक है, वीडियो एंड फोटो, ठीक है। अगर वीडियो को भी बनाना चाहते हैं तो वीडियो भी बनेगा, फ़ोटो में तो फोटो में, फ़ोटो का दिखाऊँगा, फ़ोटो में दबाऊँगा। फ़ोटो में दबाने के बाद चार पाँच फ़ोटो ले लेता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। जल्दी से मैं चार फ़ोटो ले लेता हूँ, सात फ़ोटो ले लिया हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। सात फ़ोटो लेने के बाद देखिए नीचे में दिखा रहा है एक ऑप्शन, नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, हो गया, नेक्स्ट हो गया, यहाँ पर आ गया। ऊपर में देखिए ओरिजिनल दिखा रहा है, ठीक है, ओरिजिनल में दबाएंगे तो देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है। देखिए यूट्यूब के लिए भी है, इंस्टाग्राम के लिए भी है, टिकटॉक के लिए भी है और अदर्स भी है, ठीक है। तो मैं टिकटॉक वाला सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, टिकटॉक साइज आ गया, फिर बाहर में क्लिक करेंगे, ठीक है, आ गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये प्लस दिखा रहा है शुरू में, ठीक है, ये देखिए प्लस में दबाएंगे और ये सब ऑप्शन है उसका, देखिए स्टार्टिंग होने के लिए, ठीक है। मैं ये वाला लूँगा, ये वाला लेने के बाद देखिए यहाँ पर ड्यूरेशन दिखा रहा है, ठीक है, इसको अगर लंबा करेंगे तो धीरे धीरे होगा, ठीक है, इसको सामने करेंगे तो जल्दी होगा, मैं मीडियम रहने देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ओके कर देंगे, ठीक है। इस तरह से जितना भी प्लस का चिन्ह है सब में लगा लेना है, ठीक है, अलग अलग, इसमें भी लगा लेंगे इस तरह से, इसमें भी लगा लेंगे इस तरह से, मैं इसे दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, आप मेरे से भी अच्छा बना सकते हैं, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा इसमें, ठीक है। लास्ट वाला में भी लगा देते हैं, ठीक है, ये वाला, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में एक ये वाला ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ब्लैक वाला का डब्बा दिख रहा है, ठीक है, ये वाला, तो इसको आप क्लिक करके डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है। डिलीट नहीं करने से वाटर मार्क आ जाएगा, ठीक है। अगर फिर और फोटो ऐड करना होगा तो देखिए इधर साइड में दिखा रहा प्लस, ठीक है, ये वाला, तो इसको दबा के फिर फोटो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इतना हो गया फ्रेंड्स, उसके बाद फ़ोटो में भी लगाना है इफेक्ट की, एफएक्स में दबाएंगे, एफएक्स में दबाने के बाद इस तरह का ऑप्शन लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट फ़ोटो में आएंगे और देखिए नीचे में एफएक्स है, यहाँ पर दबाने से बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, देखिए बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है, इसमें कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है, ये वाला लेंगे। इस तरह से जितना फ़ोटो है सब में लगा लेना है, ठीक है, मैं जल्दी जल्दी लगा लेता हूँ। आप थोड़ा टाइम देके बनाइएगा, बहुत मस्त बनता है इसमें, ठीक है। मैं इसे आप लोगों को दिखाने के लिए, बस समझाने के लिए बता दे रहा हूँ, ठीक है। इतना हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया इफेक्ट उफेक्ट लग के। उसके बाद ऊपर में देखिए टैप टू ऐड मैजिक, ठीक है, यहाँ पर मैजिक लगाने का है ऊपर वाला, ठीक है, यहाँ पर दबाएंगे एक बार। उसके बाद देखिए नीचे मैजिक, मैजिक में ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद आपका फाइल मैनेजर खुल जाएगा, ठीक है, उसमें जितना आपका गाना रहेगा मैजिक रहेगा आ जाएगा, ठीक है, मेरा आ गया है, मैं ए वाला लेता हूँ, ठीक है। क्लिक कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर आ गया, देखिए, ठीक है, यहाँ तक आ गया पूरा गाना के अनुसार, ठीक है। उसके बाद प्ले करके देख,
दिया हूँ। ठीक है, इतना हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद ऊपर में देखिए सेव और एक्सपोर्ट है। ठीक है, एक्सपोर्ट में क्लिक करना है आपको। ठीक है, एक्सपोर्ट में क्लिक करने के बाद 1080p में आपको राइट नीचे है एक्सपोर्ट चालू कर देना है।